चलता है एक बार आलू किसान कुछ मिल लो इस बार किसान किसान तो अदम ही गांड मरा है किसान ने तो। हाँ। इसमें देखेंगे ये छेन जैसा और आई है ये घुगिया टाइप की जो है बीमारी है। योगी जी तक कही दोगे तो आलू कन्नौज कुछ भाई दे दूर कन्नौज में। हाँ कन्नौज मिले वो भरे तो है वो तो कहा योगी जी से ये बात कह आलू भिजवा या कहा बाहर भिजवा दे बाहर। हाँ कहाँ भिजवाइए बताओ भेज पाओ। नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं समाज की नजर, मैं हूँ आपके साथ राजीव। इस समय है अमृतपुरा में और त्रिवा क्षेत्र में और अगर बात की जाए तो आलू की खुदाई हो रही है और खेत भी दिखाना चाहेंगे। सबसे पहले आज तक हम लोगों ने इतने बड़े खेत की आलू की खुदाई इस सीजन में नहीं दिखाई। 5 बीघा का खेत है और लगातार आप पैकेटों की लाइन भी देख सकते हैं तो लगातार एक मांग भैया लोगों ने खोद भी दी है और दूसरी मांग की खुदाई की तैयारी चल रही है। और अगर बात की जाए आलू की तो आलू फिलहाल में तो निकासी लगभग में एक समान अगर देखा जाए तो मीडियम साइज का आलू है, कुछ बड़ा भी है। और एक चीज हमें नजर आ रही है कि इसमें घुगिया ज्यादा हो गई, तो इसका क्या कारण रहा है और क्या स्थिति रही है अपने कैमरा में सहयोगी से कहना भी चाहेंगे कि आलू को जरा दिखाया जाए। सबसे पहले मेन चीज ये है कि इसमें देखेंगे ये छेन जैसा और आई है ये घुगिया टाइप की जो है बीमारी है किस कारण से हुई है। किसान भैया इनसे भी बातचीत करेंगे और कई लोग भैया लोग जो खोद भी रहे हैं इन लोगों से भी बातचीत कर लेंगे। ये देखिए ये थोड़ा चिटक भी गया तो लोगों से बातचीत करते हैं। भैया आप खड़े हो जाइए आपसे ही थोड़ी बात कर लेते हैं। हाँ खड़े हो आप बताओ भैया। हाँ क्या नाम है अपना नाम बताओ। मेरा नाम अतर सिंह है। कौन गाँव पड़ा था अमृतपुरवा। अरे दादा बताओ ये आलू हम देख रहे की घुगिया छेन तो हुई को क्या कारण है। ये मक्का वाले खेत है। अच्छा मक्का वाला किसी का भी खेत हो सब में हो जाता है। हाँ लगभग सब में हो जाता है। अच्छा तो ये मतलब मक्के का कारण है चिटक जाता आलू ये क्या। ये तो फिर तो खेती में कमी पोटाश उटास की है कमी। अच्छा मतलब कहीं ना कहीं वो लागत जो है पूरी तरीके लग नहीं पाई। अब पोटाश महंगी पड़ती है कुछ लोग नहीं फैलाते हैं। भैया 15 से 20 किलो बीघा फैलानी चाहिए। हाँ नहीं फैलाते हैं डीएपी मार देते हैं एनपीके बस। अच्छा क्योंकि विज्ञान हमारा कहता है कि लगभग 12 किलो तो मिनिमम हर बीघा में पोटाश डालनी चाहिए जिससे आलू की पैदावार ठीक ठाक रहे चमक निकलेगी चमक निकलेगी। तो अब भगवा वाला अंगोछा डाले चुनाव ना हुआ लो आयो काम आओ रही है बीजेपी रात। अच्छा तो अब किसान मतलब खुश है फिलहाल में। अच्छा एक बात और बीजेपी ने एक बात और करी थी कि सभी किसान लोगों की कमाई माई वगैरह तो सब डबल हुई गई। अब तो किसान माला डबल तो हो गई है आलू ही ना डबल तो सब चीज सही है। और सब चीज सही है आलू नहीं मजा आई रही आलू नहीं मजा तो योगी जी तक कही दोगे तो आलू कन्नौज कुछ भाई दे दूर कन्नौज में। हाँ कन्नौज में मिले वो भरे तो है वो तो कहा योगी जी से ये बात कह आलू भिजवा या कहा बाहर भिजवा दे बाहर। हाँ कहाँ भिजवाइए बताओ। जहाँ तुर भेज पाओ पाकिस्तान ने जहाँ भेज दे। अच्छा कितने रुपए में। अच्छा एक बात ये बताओ जैसे मान लो आज की तारीख हम लोग कल मंडी गए तो आलू का भाव लगभग 700-600 रुपया पैकेट चल रहा था और आज शायद उम्मीद है कि 500 के आसपास बिचेगा 500 से 600 के बीच में तो कहा लग रहे हो कितने रुपए में बिचवा जाएगा आलू। आलू वैसे अभी फिलहाल में जब मंडी स्टार्ट हुई कम से कम 1000-1200 में रहती मंडी। 1000-1200 तो कुल मिला के 1000-1200 रुपए प्रति पैकेट के हिसाब से रहती मंडी। और कई भी किसान भाई हैं सभी लोगों से चर्चा भी करेंगे। तो दादा खेत मालिक कहाँ चले गए कौन है ये भैया आप खड़े हो भैया। तो खेत मालिक हमारे साथ हैं दादा अपना नाम ना गाँव अपना कौन सा पड़ता है। अमृतपुर। अच्छा अमृतपुर रहने वाले अमृतपुर में खेत है। तो संजय भैया ये बताओ अपनों खेत की खुदाई चल रही है हम देख भी रहे हैं कि घुंघिया टाइप का आलू हो गया है चिटक भी गया तो इसका भाव भी मार्केट में कम मिलेगा तो क्या उम्मीद लग रही है कितने रुपया पैकेट तक वैसे मिल जाएगा। मिल जाए 600-700 तक। 600-700 तक तो वैसे अगर बात करिए 600-700 में निकल लो कुछ नहीं। कुछ नहीं निकल ही कहा रहूंगा कुछ कुछ नहीं कुछ नहीं निकल लो कैसा कुछ होना। अच्छा कोल्ड वगैरह में आलू आप लोगों को डालो तो क्या। हाँ डालो तो डाले वाले में कुछ फायदा मिली कि ना। हाँ पहले उसमें मिली थी क्या नाम है इसमें हालैंड में। हाँ हालैंड मिला था। अच्छा कंचन कंचन हालैंड मिला था केवल बाकी अन्य आलू नहीं मिला। अन्य आलू कुछ नहीं। तो दादा ये बताओ इस बार अपने इनका हाईलैंड आलू कुछ गड़ाई बड़ी है क्या। नहीं हम बड़ी है हाईलैंड की बड़ी है हाईलैंड आपने गाड़ो है। अच्छा दादा एक बात ये बताओ हाईलैंड तो मान लो आपने गाड़ो बैठे बैठे चलो बातचीत हुई तो हाईलैंड आपने इस बार गाड़ी दो। और भैया इससे पहले का कौन सा आलू गाड़ते सफेद पुखराज और लाल गुलाल। लाल गुलाल तो आप क्या लग रहा है कि लाल गुलाल गाड़ना चाहिए हाईलैंड गाड़ना चाहिए। अब भाई तो है लाल गुलाल और हाईलैंड और कंचन तीन भाव है। तीन भाव ये तो बात पक्की है। और चिप्सोना अगर हो जाए तो और चिप्सोना और बढ़िया बात। और तो कुल मिला के सभी किसान भाइयों से निवेदन हमारा भी रहेगा जब कभी भी आलू गाड़े तीन ब्रांड जैसे कि 37-97 अगर गाड़ना चाहे तो 37-97 गाड़ लें। इसके बाद में अगर बात की जाए तो अपने हाईलैंड और चिप्सोना और सिंदूरी का भी और लाल गुलाल का भी बीज अच्छा बीज जाता है तो उससे भी कहीं ना कहीं किसानों को थोड़ी राहत मिल सकती है। और अगर बात की जाए तो सफेद में हाइब्रिड में आता है आलू 302 आलू की मार्केट साउथ की मंडियों में अच्छी रहती है। 302 का भी भाव लगातार अच्छा मिलता है।
तो दद्दा भी है, भगवा कलर का अंगोछा मान है। दद्दा से राजनीतिक चर्चा करेंगे, क्या माहौल लग रहा हो इधर क्षेत्र में, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी आए रहे। दद्दा आप बताओ अपना नाम कहाँ है? छविराम सिंह। कौन गाँव अपने बड़ा था? अमृतपुरवा। अच्छा अमृतपुरवा सब लोग हैं? सब लोग। अच्छा ये बताओ दद्दा, आप लोकसभा चुनाव आए रहे हैं तो आप तो अंगोछा बांधे, तो क्या माहौल लग रहा है इस बार? अंगोछा जी को बांध दो वोट दे। अच्छा ऐसा तो ना है कि अंगोछा लाल है, मामला कुछ भगवा गड़बड़ा जाए। तो अच्छा सांसद बनी है कि ना दोबारा? प्रयास रोज। अच्छा प्रयास। अच्छा दद्दा एक बात बताओ, आलू किसान कुछ मिल लो इस बार? कितना बताओ? मैं किसान तो हदमे ही गांड मराए किसान ने तो। हाँ नहीं भाई, कुछ मिला था आलू किसान? कितना है? कुछ ना था, बेगर देगा ना, तुम्हें बताया रहे कि रोज रोज सस्ता हो रहा है। ये तो क्लियर है, जिस दिन भाव खुला था उस दिन, जिस दिन आपका परसों नर्सों वाले दिन भाव खुला था तो 1151 रुपया पैकेट खुला था मंडी का भाव, और कल का भाव आपको बताएं कि 800 रुपया के ऊपर कोई आलू कल मंडी में बिछा नहीं। अब 10 दिन बाद हम खोदे तब 2-3 बिछे, क्या करें? 2-3 और ही का भाई, उम्मीद ना लग रही 2-3 बिछे। कितने बिछे भाई? ये मान के चलो लोग 400 रुपये तो बिछी हो जाइए। अब चल रहा है ये सिस्टम, तब तो कुछ कल्याण हो जाए किसानों लोगों को। भाई कितने रुपया पैकेट तक बिछा रहा है तो कल्याण हो जाए? अब 5-6 तक नीचे उतरिया वो तो बेकार है किसान। 5-6 तक नीचे, कुल मिला के 5-6 सौ के नीचे तो नहीं आलू बिछना चाहिए, जैसा कि कई लोगों से कच्ची में, और अगर पक्की की बात की जाए तो पक्की में लगभग में 500-600-700 रुपया पैकेट बिछना चाहिए, वो भी किसान को कोल्ड स्टोरेज के अंदर, बाहर नहीं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वन किसान भाइयों के साथ शेयर करिए।